अज रूपनगर के गिलको वैली विखे यूथ कांग्रेस पंजाब के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों और नगर कौंसल रूपनगर के प्रधान संजय वर्मा वालों 57 लाख रुपए नाल सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मौके बरिंदर ढिल्लों ने कहा कि रूपनगर दी सारिया सड़कों का मुरम्मत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उत्थे ही गोलीकांड के दोषियों को फड़न लई बनाई गई SIT के सबका मुखी कुंवर विजय प्रताप का आम आदमी पार्टी में शामिल होने दी चर्चावां ते उन्होंने कहा कि जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन कुंवर विजय प्रताप वालों की गई सी किते ना किते राजनीतिक मंशा नाल संबंधित है। जेकर वह आम आदमी पार्टी विच शामिल हुंदा उस नाल कांग्रेस पार्टी नूं 2022 विच कोई फर्क नहीं पवेगा। रोपड़ तो पंजाब टीवी लई पुलकित कुमार की रिपोर्ट। 53 लाख का प्रोजेक्ट है जी, गिलको वैली के इधर जिहड़ियां सड़कां वा उन्हां दा अज अपना ही कहिंदे शुरू कीता जी काम। साडे सारे साथी इत्थे खड़े आ जिहड़े साडे बहुत ही सीनियर अपना ही कहिंदे इत्थों दे कांग्रेस दे लीडर आ सुखदेव जी, साडे अपना ही कहिंदे प्रधान साहब जिन्हां दी दिशा निर्देश 'च सारा कुछ हो रहा वा, गिल साहब खड़े आ, बाकी होर साडे सारे साथी इत्थे खड़े आ और इन्हां दी दिशा निर्देश 'च सारा काम। कुंवर विजय प्रताप बाबत गल रही है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तुहाडा की प्रतिक्रम है? देखो हाले पता नहीं वो ज्वाइन किए नहीं किए, बट अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर कितना कितने जी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है तो मतलब उन्होंने सियासी मंशा के नाल की सी, क्योंकि जिस तरीके के लूपहोल छड़े गए थे और इन्वेस्टिगेशन लूपहोल किसी तो भी छड़े जा सकते हैं, कोई वो गल नहीं हैगी। लेकिन अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी मतलब उन्होंने इंटेंशनली लूपहोल छड़े थे ताकि यदा सियासी ला वो लै सकन और जो कि वो लै रहे हैं। अमरिंदर जी एक मुद्दा बनया हुआ नौकरियों का लैके विधायक के पुत्रों नौकरियां दी गई ने, उस बाबत तुहाडा की कहना? बहुत विरोध किया जा रहा है पार्टी के विच भी। मैं वो बारे बोल चुका वा, कल मेरे हिसाब से उही बयान के उत्ते मैं खड़ा वा। तुसीं विरोध करते हो उस चीज़ का? मैं तुम्हें दस्या वा भी जब मैं विरोध इस गल का नहीं करता भी किसी नौकरी मिले या किसी ना मिले, मैं विरोध यह करना भी लोड़मंद बंदियां नूं नौकरी मिलनी चाहिए आ और अगर किसी मिली है तो उस बेस के उत्ते होर भी नौजवानों नौकरी जरूर मिलनी चाहिए।